आज हम बात करेंगे दो एयर पंप के बारे में। दोनों वेनस एक्वा कंपनी का ही है, 2.5 वाट दोनों की एफिशिएंसी है, जिसमें से पहले दोनों में लेकिन बेसिक कुछ डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस जानने के बारे में एयर पंप के बारे में जानते हैं। पहले ये है, ये वेनस एक्वा का है, मॉडल नंबर है AP208A। ये 2.5 वाट का है, इसको हम देखते हैं। इसको आप खोलेंगे तो कुछ इस तरह का ये पंप दिखेगा। केबल सही है, सिंगल नोजल का ये पंप है, और इसमें आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जैसे जहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन रहता है, ज़्यादा वोल्टेज की प्रॉब्लम रहती है, यहाँ ज़्यादा इसमें वोल्टेज चाहिए नहीं, 2.5 वाट में काम करता है। और ये इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी लोगों ने इसका इस्तेमाल करते, ज़्यादातर यहीं ले जाते हैं लोग, और अच्छा रिजल्ट आता है इसका 2.5 वाट का है। ये दूसरा देखते हैं, ये भी वेनस एक्वा का ही है, 2.5 वाट ही है ये भी, लेकिन AP208 वो 200, ये जो था ये 208A था, ये 208 है। दोनों में क्या डिफरेंस है? ज़्यादा बेटर ये माना जाता है। इसका प्राइस में भी थोड़ा दोनों में डिफरेंस आता है, इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, इसकी प्राइस थोड़ी कम है। इसका रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा है, इसका रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा है, बट उतना अच्छा नहीं है इसका, मतलब सही है ये। तो इसको देखते हैं ये कैसा है। कलर में भी थोड़ा डिफरेंस है, वो ही है, बट ये थोड़ा डार्क ब्लू है, ये थोड़ा लाइट ब्लू है। और ये भी 2.5 वाट का ही है, सेम वर्क करता है। इसमें भी आप इसको स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। केबल भी इसका सही है, ये भी सिंगल नोजल पंप है। अगर आप देखेंगे इसका नोजल थोड़ा अंदर की ओर है, इसका नोजल थोड़ा बाहर की ओर है, बट दोनों सही है, इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों एयर पंप AP208A और AP208 का बेसिक और या मेन डिफरेंस हम ये कह सकते हैं, ये जो है ये वाइब्रेशन तो दोनों में होगा, दैट वाइब्रेट होगा तभी वो काम करेगा, बट इसका क्या होता है, नॉइस कम बना आता है इसमें, आवाज़ आपको कम सुनने को मिलेगा इसलिए। और इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस मॉडल, इसके कंपैरिजन में इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये नॉइस कम करता है, और ये है क्या कि ये थोड़ा नॉइस ज़्यादा करता है, और इसका प्राइस थोड़ा कम है इसी वजह से। बाकी अगर देखा जाए तो इस्तेमाल करने के लिए आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, और कम वोल्टेज में ज़्यादातर लोग इन दोनों का ही इस्तेमाल किया करते हैं।